हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। एंड आई विश आप सब लोग भाई बढ़िया होंगे मेरी तरह। सो भाई लोग, मेरे सामने खड़ी है पल्सर की N250 और मुझे ये दिख गई और मैंने सोचा भाई इसका रिव्यू किया जाए। एंड मैं आपको एक बात बता दूं, ये वाली जो आप पल्सर N250 देख रहे हो ना, ये भाई इसका अपडेटेड वेरियंट है, एकदम कंपनी ने तरोताज़ा निकाला है। तो बिना समय बर्बाद करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और स्टार्टिंग में ही सबसे पहले मैं आपको बता दूं क्या, हम स्टार्ट करते हैं इसके लुक्स के साथ। कंपनी ने इसके लुक्स में क्या दिया है, किस तरह की इसकी रोड प्रेजेंस है जब आप इसको रोड पर लेके निकलोगे। तो सबसे पहले हमेशा से पल्सर की जो एन सीरीज़ की जो मतलब USP रही है ना, वो भाई इसकी रही है इसकी प्रोजेक्टर सेटअप। ये इसकी मेन USP है, इसकी जो LED की जो थ्रो है ना, मेरे निगाह में पल्सर की क्या किसी भी कंपनी की 250 देख लो या 300 तो खैर ज़्यादा चला जाएगा, उनमें सबसे बेस्ट अगर किसी की लाइट लगती हो मुझे इस बाइक की लगती है। इससे बढ़िया लाइट तो मेरे को किसी बाइक की लगती भी नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इसके लुक्स के साथ। तो आपको यहाँ पर 3D टाइप का सा आपको यहाँ पर मडगार्ड मिल जाएगा, जो कि अगेन दिखने में बहुत बढ़िया है। एक आपको 37 mm की आपको इसके अंदर सस्पेंशन मिल जाएंगे। यहाँ पर आपको रिफ्लेक्टर मिल जाएगा। 300 mm की आपको यहाँ पर डिस्क मिल जाएगी, जो कि डिस्क बहुत ही बढ़िया है भाई। 300 mm की डिस्क अच्छी खासी डिस्क होती है। और यहाँ पर आपको भाई इसमें आपको डबल पिस्टन कैलीपर के साथ मिलेगा। डबल पिस्टन कैलीपर इसको बोलते हैं, ठीक है। ये एक पिस्टन ही है तो इसीलिए इसको डुअल पिस्टन कैलीपर बोलते हैं। यहाँ पर आपको ABS की आपको रिंग मिल जाएगी, ठीक है। टायर साइज की अगर मैं आपको बात करूँ तो इसके अंदर आपको 110/70/17 का आपको इसके अंदर टायर मिलेगा MRF का। और अगर मैं पीछे वाले सेक्शन की अगर मैं बात करूँ तो भाई पीछे वाले सेक्शन में आपको टायर मिलता है 140/70 का आपको इसके अंदर टायर मिलता है। और पीछे की आपकी जो डिस्क मिलेगी वो 230 मिलेगी। और ये भी आपको डुअल चैनल ABS के साथ आती है। डुअल चैनल ABS क्या, ये भी आपको पीछे वाला मामला ABS के साथ मिलेगा। यहाँ पर आपको डबल पिस्टन नहीं बोलेंगे इसको हम बोलते हैं डुअल बैरल एग्जॉस्ट बोलते हैं। और आप गौर से देखोगे ना, इसके अंदर आपको मफलर भी दिखाई देगा। मुझे इसके अंदर साफ मफलर दिखाई दे रहा है भाई, ठीक है। तो ये डबल होल है तो इसीलिए आपको डुअल बैरल एग्जॉस्ट मिलेंगे। एग्जॉस्ट इन्होंने ज़्यादा लंबा नहीं किया, एग्जॉस्ट इन्होंने यहीं छोड़ रखा है, जो कि अगेन दिखने में बहुत बढ़िया। मैं आपको इसकी आवाज़ सुनाऊंगा। इस तरीके का आपको यहाँ पर आपको टायर हगर मिलेगा, एक ये और एक ये। पीछे आपको ये रेड कलर का आपको सस्पेंशन मिल जाएगा, ठीक है। और बाकी तो मैंने आपको टायर का आपको मैंने बता दिया। तो अगर आप इसकी ओवरऑल लुक्स देखोगे ना, जैसे आपको यहाँ पर इसकी जो क्वालिटी हो गई, क्वालिटी भी बहुत बढ़िया है। लुक्स इसका इस वजह से बहुत ही ज़्यादा बढ़िया लग रहा है। और आपको 3D में आपको पल्सर यहाँ पर मिल जाएगा। एक बहुत ही उभरा हुआ सा 250 की आपको इसके अंदर यहाँ पर बैजिंग मिल जाएगी। यहाँ पर आपको 250 की बैजिंग मिल जाएगी, बहुत ही बढ़िया गुदगुदी आपको यहाँ पर सीट मिल जाएगी, सेम ऐसी पीछे वाली के लिए। और ये आपको स्प्लिट सीट के साथ ऑप्शन आता है, ठीक है। यहाँ पर आपको भी पल्सर की बैजिंग मिलेगी, देख सकते हैं। पीछे की टेल की अगर मैं आपसे बात करूँ तो पीछे की टेल आपको इस तरीके से दिखाई देगी। आपको स्टार टाइप जैसी आपको इसके अंदर LED लाइट मिल जाएगी, बैक लाइट, इंडिकेटर मिल जाएंगे, वो भी LED वाले। यहाँ पर आपको बड़ा सा आपको टायर हगर मिल जाएगा। यहाँ पर आपको साड़ी गार्ड मिल जाएगा, जे चेन कवर। और भाई सबसे अच्छी बात, इसकी जो फिट एंड फिनिश है ना, ये भी बहुत बढ़िया लग रही है। N250 की बैजिंग आपको यहाँ मिल जाएगी, ये वाली जो है, इससे आप इस वाली बैक सीट को एक्सेस कर सकते हैं। और यहाँ पर ही आपको सेम जो उधर की तरफ थी, सेम आपको डेफिनेट है आपको यहाँ पर भी मिलेंगे। और ये रहा इसका भाई इसका दिल, इसके अंदर डबल स्पार्क प्लग आता है, एक यहाँ पर बैठा हुआ है, एक उधर की तरफ बैठा हुआ है। और यहाँ पर आपको इसके अंदर रेडिएटर मिलेगा, क्योंकि ये ऑयल कूल्ड मोटरसाइकिल है। अब भाई 250 cc की बाइक है तो इसके अंदर ऑयल कूल्ड तो देना बनता है। और यहाँ पर आपको USD आपको मामला मिल ही जाएगा। तो अगर मैं इस बाइक के इन टर्म्स ऑफ लुक्स की बात करूँ ना, तो भाई कंपनी ने इसके लुक्स में कहीं भी किसी भी तरीके की कोई भी कमी नहीं छोड़ी है। आप इसके लुक्स में कहीं से भी देख लो, आपको किसी भी तरीके की कोई भी निराशा नहीं होगी। एकदम आपको बल्कि सी बाइक का आपको एहसास मिलेगा। और सबसे अच्छी बात, जैसे मैंने आपको बता दी, यहाँ पर आपको DRL मिल जाएंगी, देख सकते हैं। यहाँ पर आपको DRL मिल जाएंगी, आपको वही प्रोजेक्टर सेटअप मिल जाएगा। तो कंपनी ने इसके लुक्स में ना इतना अच्छा काम किया है, जो कि मुझे नहीं लगता बजाज से बढ़िया शायद कोई करता होगा। मुझे बजाज का जो पोर्टफोलियो है ना, वो काफ़ी पसंद आता है, लेकिन थोड़ा सा इंजन का मामला इनका वैसे ही रहता है, ठीक है। और ये रहा इसका भाई डैश में ज़्यादा बताने की ऐसी कोई ज़्यादा खास है नहीं। यहाँ पर आपको वही RPM मिल जाएगा, ट्रैक्शन कंट्रोल भी मिल जाएगा, यहाँ पर आपको ABS मिल जाएगा, इंजन की लाइट मिल जाएगी, इसकी तो वैसे कोई ज़रूरत है नहीं। और यहाँ पर आपको राइडिंग मोड्स भी मिल जाएंगे, देख सकते हैं रेन। और अगर आप इसको चेंज करना चाहोगे, आप इसको इस वाले बटन से आप पूरा एक्सेस कर सकते हो, वही जैसे जो पुरानी N160 में आता था, वही पूरा इसके अंदर वही सिस्टम दे रखा है। यहाँ पर आपको रेन और रोड के हिसाब से भी आपको इसके अंदर ऑप्शन मिल जाएंगे, जो कि इस बटन से दबाने से आपको हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आपको हाई बीम, लो बीम सब कुछ इसी बटन में दे रखा है। यहाँ पर आपको इंडिकेटर, यहाँ को हॉर्न, बड़ा लाउड है यार। और
ये आपको इसमें फिजिकल आपको एक तरीके से बटन दे रखा है जो आप इसकी मेन हेडलाइट को आप चालू बंद कर सकते हो। यहाँ पर आपको इसका सेल्फ स्टार्ट का बटन मिल जाएगा। और एक बात और, बजाज की एक चीज़ मेरे को बहुत बढ़िया लगती है, मतलब बजाज की आप तो सारी कंपनियाँ ऑलमोस्ट कर ही देती है, इसका ना ये जो ढक्कन है ये बाहर नहीं आता, ये इसी में ही लगा रहता है। भाई TVS की मैं तो बहुत बुरा लगता है मेरे को ही, लेकिन इसमें ये इसी में ही रहता है, जो कि बहुत ही बढ़िया है। तो भाई इन टर्म्स ऑफ डिज़ाइन, इन टर्म्स ऑफ लुक्स, अगर आप इन सबको देखोगे ना, बल्कि नेस को भी देखोगे, तो ये बाइक आपको कहीं से भी निराश नहीं करेगी। और लगती है भाई 250cc वाली, हालांकि N160 भी ऑलमोस्ट इसी तरीके से दिखती है, लेकिन क्या चैसी वैसी तो थोड़ा सा चेंज किया होगा, ताकि इंजन ही इन्होंने बदला है। लेकिन फिर भी इन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए ना, ये बाइक दिखने में बहुत ही बढ़िया लग रही है। आपको इसके लुक्स में किसी भी तरीके की कोई भी ऐसा नहीं लगेगा कि यार मैंने क्या ख़रीद लिया और क्या नहीं ख़रीद लिया, ठीक है। अब अगर मैं इसके मतलब इसकी टेक्निकल चीज़ों की अगर मैं बात करूं, तो 24.1 BHP 8750 RPM पर प्रोड्यूस करता है, और 21.5 NM ऑफ टॉर्क 6500 RPM पर ही आपको प्रोड्यूस करके दे रहा है, जो कि पावर फिगर के मामले में मतलब ठीक ठाक है, मतलब सही है, कोई दिक्कत नहीं है। माइलेज की बात करूं तो इसके अंदर आपको 44 का आपको इसके अंदर माइलेज मिल जाएगा, जो कि मतलब ओनर रिपोर्टेड है, मुझे लगता नहीं है 44 का दे जाएगी, लेकिन फिर भी शायद दे सकती है, 40 के आजू बाजू तो देना इसका कन्फर्म है। रेंज अगर आप इसमें पेट्रोल पूरा डलवा दोगे तो भाई 490 किलोमीटर तक की आपको इसके अंदर रेंज मिल जाएगी, 450 या 500 तक। अगर आपकी स्टाइल ठीक ठाक है चलाने की, तो आप इसको 500 तक भी आप इसको लेके जा सकते हो। टॉप स्पीड 140 तक ही आराम से हिट कर देती है, हालांकि एरोडायनामिक इसके थोड़े से गड़बड़ है, क्योंकि नेकेड बाइक के एरोडायनामिक थोड़े से ऐसे ही होते हैं, लेकिन फिर भी मतलब आपको टॉप स्पीड अच्छी खासी आपको इसके अंदर मिल जाएगी। एक गड़बड़ चीज़ जो मुझे इसके अंदर लगी, वो ये इसके अंदर कंपनी ने 5 गियर दिए हैं, देख सकते हैं भाई 5 गियर दिए हैं, जो कि थोड़ी सी गड़बड़ बात है। छठवा गियर होता तो थोड़ा सा क्रूजिंग स्पीड अच्छी हो सकती थी। और भाई हम छठवें गियर को ना ओवरड्राइव गियर भी बोलते हैं, ये मैंने आपको बता दिया। टैंक इसके अंदर आपको जो मिलेगा 14 लीटर का आपको इसके अंदर टैंक मिलेगा, और सबसे बड़ी बात ये फ्रंट का जो आपको इसके अंदर टेलीस्कोपिक जो सस्पेंशन है, जो USD है, वो मैंने आपको बता ही चुका हूँ भाई, 37 का मिलेगा, जो कि भाई साहब बहुत मोटा ताजा है, 37 का खूब अच्छा खासा मतलब हो जाता है, बढ़िया लगता है देखने में। सीट हाइट आपको इसके अंदर 795 की आपको इसके अंदर सीट हाइट मिलेगी। मेरी जो हाइट है वो भाई 5'6" और 5'7" के बीच में, बिल्कुल सही बताया मैंने आपको, लेकिन मेरे पैर आराम से आ रहे हैं, ऐसी कोई मेरे को दिक्कत नहीं हो रही। लेकिन हाँ, अगर किसी की हाइट भाई मेरे से कम है, तो भाई उस बंदे को कहीं ना कहीं थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। ग्राउंड क्लियरेंस आपको इसके अंदर 165 का मिलेगा, कंपेरेटिवली ग्राउंड क्लियरेंस इसका मुझे थोड़ा सा कम लग रहा है, क्योंकि मतलब सोच समझ के निकालना भाई, कहीं ऐसे ना आप आंख बंद करके निकाल दो तो इसका जो बेली पेन है ना वो टूट जाएगा, इस बात का ध्यान रख लेना। वेट इसके अंदर आपको 162 का आपको इसके अंदर वेट मिलेगा। और एक बात और, आप इसके अलॉय की डिज़ाइन देख लो, मतलब बहुत ही बढ़िया लग रहा है यार। कंपनी ना इस चीज़ में हमेशा, बजाज हमेशा ध्यान रख के चलती है, जो मतलब लुक्स होता है, डिज़ाइन होता है, मतलब इस मामले में बजाज हमेशा ही ध्यान रख के चलती है भाई साहब। तो यही है इस बाइक में, ऐसा कुछ मेजर हाईलाइट आपको इसके अंदर एज सच कुछ मिलेगी नहीं। पावर फिगर ये सारी की सारी चीज़ मैंने आपको बताई दी। और एक बार जाते जाते भाई इसकी एग्जॉस्ट की एक बार साउंड भी सुन लो, सब इंजन की साउंड ना एकदम बेसी सी साउंड है, एकदम मतलब वूफर वाली साउंड है, तो इंजन की साउंड इस बाइक की बहुत ही बढ़िया है। तो दोस्तों यही थे मेरी तरफ से रिव्यू, अगर मैंने कोई चीज़ मिस कर दी है, आई नो ज़्यादा कुछ है नहीं है भाई लोग बताने लायक, बट मुझे मिली तो मैंने इसका मतलब रिव्यू कर दिया। इस बाइक का जैसे मैंने आपको वेट बताया 162 के आसपास है इसका वेट, तो जब आप इसको चलाओगे ना तो आपको महसूस नहीं होगा, लेकिन जब आप इसको थोड़ा सा मैन्यूवर करोगे उतार के, तब आपको थोड़ा सा वेट इसका फील हो सकता है, अदरवाइज़ इसका वेट इतना मुझे तो ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं लगा। तो ये बाइक किसी भी टेरेन में जाने के लिए बिल्कुल मतलब रेडी है। हैंडल बार इसका बिल्कुल बेहतरीन है, ऐसा नहीं है आपको बहुत झुक के बैठना पड़ेगा, ऐसा सच इसमें आपको कुछ भी ऐसी दिक्कत नहीं आने वाली। और एक बात और, ब्रेकिंग के मामले में मैं बता दूँ, ये इसके अंदर स्टील ब्रेडेड ब्रेक लाइन का इस्तेमाल किया गया है भाई, मतलब रबड़ वाली नहीं है, रबड़ वाली से बेहतरीन इसकी क्वालिटी होती है और बेहतरीन इसकी ब्रेक बाइट होती है। मतलब ब्रेक बाइट इसकी नहीं होती, ब्रेक बाइट इसकी होती है, लेकिन ब्रेक बाइट इंक्रीज़ ज़रूर हो जाती है इस चीज़ से, क्योंकि रबड़ वाली नहीं है, ये आपको स्टील ब्रेडेड मिलेगी।
तो ये एक अच्छी बात है जो मतलब आज के टाइम पे हीरो भी इसको ज़्यादातर यूज़ कर रहा है, बस एक TVS ही हमारा ऐसा है जो थोड़ा सा पीछे बैठा हुआ है इस सब मामलों में। तो दोस्तों यही थे मेरी तरफ से रिव्यू, एंड आई नो कि मैंने सारी की सारी चीज़ों को कवर कर दिया, स्टिल अगर मैंने कोई ना कोई चीज़ मिस कर दी तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर आपका इस बाइक से रिलेटेड कोई भी डाउट बैठा हुआ है ना मन में तो मेरे से ज़रूर पूछ लें, मैं आपको वो डाउट ज़रूर बता दूंगा। ठीक है, तो मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।